मॉर्निंग। तो आज का डेट है 16th of February और हमारा समय आ गया है गांव से निकलने के लिए। अभी जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में कुछ काम है, फिर वहां से निकलेंगे बैंगलोर के लिए। फ्लाइट है ऑन मंडे, तो टाइम हो चुका है, खा पी के निकलेंगे। कल सब आ रहे हैं, आप उनकी गाड़ी से जाएंगे बलरामपुर, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए, शाम को पहुँचेंगे, फिर देखिए आगे का क्या सीन है। तो चलिए मिलते हैं आगे के इस ब्लॉग। तो हमारे साले साहब आ चुके हैं और हम गाड़ी में निकल गए हैं अपने बलरामपुर स्टेशन के लिए, जहाँ से हमारी ट्रेन है और लगभग 12:30 बजे यहाँ से निकलेगी और रात में लगभग 12:15 बजे पहुँचेगी। तो गाइस ये जो रास्ता है ये हमारे लिए बहुत इमोशनल जर्नी है, क्योंकि यहाँ अभी हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जब स्टेशन से हम घर आते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अब जा रहे हैं वापस तो बहुत उदासी में जा रहे हैं। अब देखिए कब आते हैं अपने गांव, अपने शहर बलरामपुर। तो गाइस ये जो जंगल देख रहे हैं जिससे ये रास्ता निकल रहा है, ये सोनार जंगल है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अंदर एक रास्ता जाता है जो कि श्री कल्पेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ पे। ये कल्पेश्वर नाथ मंदिर अपने महादेव के एक प्रतिरूप हैं जिनको मतलब पूजा जाता है यहाँ पे, और यहाँ का जो ट्राइबल लोग हैं वो भी बहुत मानते हैं इस मंदिर को, हर शिवरात्रि पर यहाँ पे महापूजा होता है। तो गाइस हम अपने मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि गोंडा 40 किलोमीटर्स, अयोध्या 88 किलोमीटर्स और लखनऊ के लिए लेफ्ट साइड लेना है। चलिए थोड़ा जलपान कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस आ गई अपनी डेस्टिनेशन, हमारा रेलवे स्टेशन बलरामपुर। अब यहीं पर हम अपना ट्रेन बोर्ड करेंगे और मिलते हैं दिल्ली में। तो स्टेशन आ गए, ये अपनी कोच है और ये रही हमारी बर्थ जो कि मिडिल है 45, और यहाँ पे अपना पानी का बॉटल रख दिए हैं, बैग रख दिए हैं नीचे। देखिए ट्रेन चल रही है अपनी, स्टेशन छोड़ दी है, 2 मिनट यहीं से लेट हो चुकी है दोस्तों। देखते हैं रात में कितने बजे पहुँचती है दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पे। चलिए मिलते हैं आगे के सफर। जो आपको ये आगे दिख रहा है कारखाना टाइप या मिल टाइप, ये है बलरामपुर चीनी मिल। वो ऑलरेडी कोई चेन पुलिंग कर चुके हैं गाड़ी रुक चुके। ये पुरानी स्टेशन है बलरामपुर की, जो पीछे गई वो है नई स्टेशन, आई मीन प्लेटफॉर्म। देखिए आपको आगे बलरामपुर शुगर मिल मिलेगा, यहीं पर किसान अपने गन्ने लाते हैं यानी शुगर केन्स, और यहाँ पे तोला के बेच के जाते हैं और ये उसको प्रोसेस करता है और शुगर बनाता है जो कि हमको मिलती है खाने में, और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो अभी आपने होटल सुना था ये एक अलर्ट है कि लंच टाइम हो गया है, सब मतलब अपना अपना लंच खा ले है ना, तो उसी का एक अलार्म समझिए या फिर नोटिफिकेशन समझिए, अलर्ट है सभी मिल वर्कर्स के लिए।
जैसे ट्रेन चल दी गई तो ट्रेन के जो कर्मचारी हैं वो समोसा लेके आ गए बेचने कैंटीन वाले। देखिए समोसा है, एक समोसा 15 रुपये, हमको तो खाना नहीं है अभी, तो सिर्फ प्राइस पूछें आपके लिए। तो गाइस अभी ट्रेन हमारी गोंडा जंक्शन के आउटर में है और स्टेशन के तरफ बढ़ रही है, तो बलरामपुर से जब निकलेंगे तो पहला स्टेशन आपको गोंडा जंक्शन मिलते हैं, जो कि एक बड़ी स्टेशन है। यहाँ पे गोरखपुर के तरफ जाने वाली हर छोटी बड़ी लाइनों की ट्रेनें मिलेंगी और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं बिहार के तरफ भी और दिल्ली के तरफ भी, तो ये एक बड़ी स्टेशन है। और कभी कभी हम लोग जब डायरेक्टली अगर बेंगलोर जाना हो तो बलरामपुर से हमको नहीं मिलती है, तो हमको गोंडा जंक्शन आना पड़ता है वाया उतरौला अपनी ट्रेन बोर्ड करने के लिए अपने बैंगलोर सिटी के लिए। तो गाइस अभी ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी राइट साइड पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगी। ये भी वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन्स है नॉर्थ ईस्ट यूपी में, यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट करते हैं अपने अपने जर्नीस स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। हम भी आते हैं, जैसे हमने बोला बैंगलोर शहर जो हमारा होम सिटी है अभी, वहाँ जाने के लिए भी हमको यहीं पर आना पड़ता है। ये भी कितना अच्छा नज़ारा है, ट्रेन के गेट पे खड़े होके सनसेट को निहारते हुए ट्रेन में चलना, कितना मस्त नज़ारा है। राइट गाइस, ये नज़ारा बहुत कम है। थोड़ा अंदर नहीं है, बस बाहर बाहर अभी एंटर किए हैं, सिटी लिमिट्स में पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अपना इंडियन फ्लैग कलर लाइट पोल्स पे, कितना अच्छा लगता है अपने ट्राई कलर पहाड़ का देखते हुए। चलिए हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट पड़ाव पर दिल्ली, अब आपसे आगे मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग तो नहीं है बट नाइट भी नहीं है, तो अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड दिल्ली। अभी यहां से चलते हैं अपने दोस्त के घर और फिर मिलते हैं आपसे सुबह, देर तो बहुत होगी, अपना ट्रेन भी निकल गई है। चलिए हमने तो कर लिया है टैक्सी, अब निकल रहे हैं स्टेशन से अपने ठिकाने के तरफ, अपने स्टे के तरफ। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, यहाँ पे भी लिखा एग्जिट, हम भी अब इस वीडियो से एग्जिट कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, दूसरे ब्लॉग में, नई जगह पे आपको दिखाते हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिएगा आरजी एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स को। थैंक यू दोस्तों, आपके के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चैनल अभी तक चल रहा है और वीडियो आने में थोड़ी बहुत लेट हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको वीडियोस डालेंगे चाहे देर से ही, बस अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।